क्या हाल चाल है भाई। दीपावली की पूर्व संध्या पर आप सभी का कौटिल्य बलरामपुर में स्वागत है। आज समझ लीजिए कि पूरी तरह से आप त्यौहार के रंग में रंग चुके हैं, रम चुके हैं। लेकिन मेरा आप सभी से आग्रह यही है, या आप सभी से अनुरोध यही है कि सबसे ज़्यादा फोकस दीपावली का मतलब है कि दीप का उत्सव है, और दीप का उत्सव आंतरिक दीप जलने पर होंगे। आंतरिक दीप कब जलेंगे? जब आपके अंदर सफलता की कोई ज्वाला अंदर से प्रवेश करेगी, तब आंतरिक दीप जलेंगे। और आंतरिक दीप जलाने के लिए आप परंपरावादी भी परंपरा में जाएंगे, तो आप या ये देखते हैं कि भगवान राम जब सब विजय कर आए तब दीपावली मनाई गई, और आप तो अभी आधी अधूरी यात्रा कर पाए हैं अपने जीवन की। आप अभी अपनी उन यात्राओं के कुछ पड़ाव ही पार कर पाए हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम दीपोत्सव में पूरी तरह से तन्मयता से लग जाएं। जैसे आज की क्लास का ही मैंने ऑप्शन देखा कि कहा गया भैया बढ़िया अच्छी क्लास होनी चाहिए, तो पता लगे 50 लोग आए, 40 लोग आए सब बैच मिला के। ये स्थिति इसलिए नहीं ठीक है कि आप जब तक पूरी तन्मयता से पढ़ाई की ओर अग्रसर नहीं होंगे, आप तब तक त्यौहार मनाने की ओर अग्रसित नहीं हो सकते। ये मेरा आप सभी को डायरेक्शन है, इसमें अनुरोध या आग्रह जैसा शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने जो जीवन की हार है, आपके जीवन और समाज में जो आपकी हार है, उसको विजित करने के लिए एक राम को अपने दिल में बसाने की जरूरत है। भगवान शब्द को हटाने की जरूरत है। जब राम को दिल में बसाएंगे, तब उनके आदर्श और संस्कार आप में समाहित हो पाएंगे। उनके गुणों से आपको सीखने की जरूरत है। रावण से भी आपको ये, आप बिल्कुल निगेटिव अप्रोच में रावण को बना रखे हैं लोग। केवल निगेटिव अप्रोच रावण का मत सोचिए, रावण के पॉजिटिव अप्रोच को भी सोचिए कि वो उसकी पॉजिटिविटी जो थी उसको भी कुछ ग्रहण करने की जरूरत है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माँ सबके आदर्श को आप ग्रहण करिए, लेकिन यदि रावण के अंदर भी कोई गुणवत्ता रही हो तो यही त्यौहार है कि उसके भी आप पूर्ण रूप से ग्रहण करें। सफलता की ओर बढ़ने के लिए आप सभी को एक एक कदम हर रोज, हर दिन, हर पल बढ़ना होगा। सफलता तभी मिलेगी जब आपके अंदर एक ज्वालामुखी उद्गार होगा। अब आप सोचेंगे सर भूगोल पर पहुंच गए, ये भूगोल वही है कि अंदर से एक ज्वालामुखी उद्गार होना चाहिए, तो आपको लगेगा कि हाँ भैया अब हम सफलता की ओर धीरे धीरे उन्मुख हो रहे हैं। त्यौहार है, अभी से मैं आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद सब प्रदान करता हूं। लेकिन मेरा आग्रह यही है, मेरा डायरेक्शन भी यही है कि आप कल के दिन भी कम से कम क्लास नहीं है, घर पर बैठकर कुछ देर पढ़ें, अध्ययनरत रहें। आप त्यौहार को भी इंजॉय फुल रूप मूवमेंट में मनाएं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई का तारतम्य आपके साथ तब तक नहीं छूटना है जब तक सिलेक्शन रूपी त्यौहार आपके हाथ में ना आ जाए। सिलेक्शन जिस दिन हुआ उस दिन एक आपको बड़ा त्यौहार मिल जाएगा। मैंने कई बार कहा है, क्लास में भी कहा है कि सिलेक्शन के दिन मात्र एक लड्डू खा लेने से कम मानिए 5 से 10 किलो वजन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आंतरिक उत्साह होता है, आंतरिक त्यौहार की दीपक अंदर से जलने लगते हैं, एक एक प्रज्वलित होता है, और आप दूसरे को भी उसमें उजाला दे रहे होते हैं। कभी अपने परिवार को एक उजाला दे रहे होते हैं अपने सिलेक्शन से, कभी अपने समाज को उजाला दे रहे होते हैं अपने सिलेक्शन से, और कभी अपनी पूरी पूरी जो भी आपकी पीढ़ियां चली आई हैं। ये कहा जाता है कि सिलेक्शन के बाद 3 पीढ़ियां दुरुस्त हो जाती हैं। सरकारी नौकरी आपके घर में आ गई महाराज, तो कम से कम 3 पीढ़ियां आपका ये दीपावली जैसा त्यौहार मनाने के लिए सबल हो जाएंगी। तो आप सभी प्रयास करिए कि दीपावली दीपोत्सव के दिन भगवान राम के आदर्श को याद करते हुए अपने अंदर भी कुछ आदर्श रूपी गुण लाइए। भगवान राम का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है वो स्ट्रक्चर वास्तविक रूप में ठीक से दिखाया भी नहीं गया है, सबने अलग अलग दिखाया। लेकिन देखा जाए तो भगवान राम का जो आदर्श है, एक भाई के प्रति, एक पत्नी के प्रति, एक पिता के प्रति, एक कर्तव्य निष्ठता के प्रति, और एक दुश्मन के प्रति। दुश्मन कौन? रावण। दुश्मन भी कैसा है? रावण जैसा है। तो जो दुश्मन रावण जैसा, योग्य योग्य रावण मैं कहूंगा, योग्य रावण जैसा हो, उसको भी अपनी शीतलता से, अपने प्रज्वलित शाखा से उसको उन्मादित करते हैं, ऐसा राम बनने की जरूरत है। तब हम उनके आदर्श में, उनके आने की खुशी में एक दीपावली मना सकते हैं। तब हमको लगेगा कि भैया हमारे अंदर भी भगवान राम का कुछ आदर्श तो आया, तो हम दीपावली मनाए। दीपावली मना रहे हैं, भाई से तालमेल घर में नहीं बैठ रहा है। और एक भगवान राम है, आपको एक पटकथा मैं जोड़ता हूं। भगवान राम जब पूरा जंगल पार करके निकल गए तो वन देवी प्रकट हुई, उनको एहसास हुआ कि भगवान पूरा जंगल पार कर गए हैं,
अवन देवी डर डर के मारे पहुंची, अरे भगवान राम है ये तो इतने बड़े खराब रास्ते में आए, कांटे थे, जंगल थे। तो वन देवी से उन्होंने, भगवान राम ने जो कहा वो आप सुनकर अचरज में हो जाएंगे। भगवान राम ने वन देवी से कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ चला आया हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरा आग्रह आपसे ये है कि रास्ते के जितने भी कांटे हैं वो सब हटा दीजिएगा। तो वन देवी के अचरज होकर पूछी, अरे भगवान आप स्वयं चले आए इतनी दूर तक, अब मैं तब रास्ते से कांटा नहीं हटा पाई वनों का, अब हटा कर क्या करूँगी। तो भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा भाई भरत इस रास्ते पर आने वाला है। तब उन्होंने कहा, अरे भाई तब तो बहुत बड़ा राजकुमार, बहुत बड़ा राजा है अयोध्या का, कि वो इस रास्ते पर आएगा और भगवान मेरे चलकर आए, उनको कष्ट नहीं हुआ और उसको कष्ट होगा। कहीं वन देवी आप नहीं समझी, भगवान राम ने प्रत्युत्तर दिया कि वन देवी आप नहीं समझ रही हैं, भगवान राम इस रास्ते पर चलकर नहीं आए हैं, उसका बड़ा भाई राम इस रास्ते पर चलकर आए हैं, इस दुख को वो नहीं झेल पाएगा, वो तो बड़े बड़े कांटे झेल सकता है, लेकिन इतने खराब रास्ते में भगवान उसके बड़े भाई राम चलकर आए हैं, इस दुख को मेरा छोटा भाई भरत झेल नहीं सकता। ये भाईत्व था, ये बंधुत्व था, ये लगाव था। आज क्या स्थिति है कि आज उतने जब भाई हैं, भाई ही शब्द सबसे बड़ा डेंजर बना जा रहा है, सबसे कटु शब्द भाई बना जा रहा है। परिवार तोड़ने की प्रक्रिया जो लगातार चल रही है वो कहीं ना कहीं ये भाई में योग्यता हो, भाई में समझदारी हो, मतलब इसमें मैं कहूँगा पुरुषवादी सोच अच्छी हो, तो कभी भी कोई घर परिवार टूट ही नहीं सकता। उस आदर्श को लाने की जरूरत है। वो घर ही दीपावली मनाएं जो अब 5 से 10 लोग संयुक्त परिवार एक साथ में खाना खाते हैं, उनको दीपावली मनाने की अनुमति है। ऐसे लोग दीपावली ना मनाएं कि पति पत्नी केवल हों, बैठे हों, खाना खा रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हों। उनको दीपावली मनाने के लिए मेरे तरफ से बिल्कुल माना जा रहा है कि वो छल कपट कर रहे हैं जीवन के साथ। दीपावली का मतलब है संयुक्तता, सामाजिक संयुक्तता, पारिवारिक संयुक्तता, ये संयुक्तता दिखनी चाहिए दीपावली में। तो दीपावली मनाने का केवल उन्हीं को अधिकार है जो संयुक्त हों, एकत्रित हों और आंतरिक एकत्रित हों। ये इसलिए दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, लक्ष्मण जी के बारे में सोचिए। दीपावली आप मना रहे हैं, आप उसकी कुछ पटकथा नहीं जान रहे हैं। लक्ष्मण जी से ज्यादा तपस्या, या कहा जाए सीता जी से ज्यादा तपस्या लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने किया, ये मैंने कई बार बताया। उनका भी 14 साल का वनवास चल रहा था, राजमहल में रहकर भी वनों से भी खराब जीवन काट रही थी वो उर्मिला है। माता सीता जी तो भगवान राम के साथ कुछ दिन तो थी, कुछ साल तो थी, लेकिन 14 साल का वास्तविक वनवास यदि किसी ने काटा है तो उर्मिला ने काटा है। ये सीख लेने की जरूरत है, एक एक महिला पात्रों से भी, रामचरितमानस के एक एक महिला पात्रों से भी सीख लेने की जरूरत है। वन में एक बार भगवान राम से मिलने के लिए तीनों माताएं जाती हैं और तीनों माताओं में सबसे पहले भगवान राम माँ कैकेयी का पैर चरण स्पर्श करते हैं। सब माँ, उनकी माँ कौशल्या अचरज में पड़ जाती हैं कि बताइए इन्हीं माँ ने इनको क्या किया, वनवास भेजा है, उन्हीं का चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो ये गुण ग्रहण करने की जरूरत है, जो नकारात्मकता है हमारे अंदर, छल कपट भरा हुआ है। एक बार यदि हमने किसी की छवि बना ली कि ये निगेटिव है, उसको जिंदगी में सकारात्मक नहीं कर पा रहे हैं, उसको सकारात्मक करने की जरूरत है। ये दीपावली है। दीपावली केवल ये नहीं है कि भैया पटाखा छोड़ दिए, खूब बढ़िया, खूब जबरदस्त प्रदूषण फैला दिए, खूब बढ़िया दीपक जला दिए, 2 लाख का झारला टंगवा दिए और परिवार में एक रूपता है ही नहीं। जिस आदर्श के लिए दीपावली मनाई जा रही है वो आदर्श का एक अंश शरीर में नहीं है। अब बातें बिल्कुल ऐसी हो रही हैं, ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है जैसे भगवान राम खुदे हों। तो ये गुण का कुछ अंश अपने अंदर लाने की जरूरत है। दीप उत्सव के एक दिन पूर्व संध्या पर मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि अपने अंदर आदर्श और संस्कृति का समावेशन करते हुए आगे अपने अग्रिम पथ पर चलें, खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब बढ़ें। और केवल मेरा एक ही ध्येय है कि केवल आप सभी अधिक से अधिक जो युवा मुझे सुन रहे हैं या जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, वो सभी सरकारी नौकरी पाएं। उद्देश्य ही होना चाहिए कि प्रयास हम चाहे जिस रास्ते से चल रहे हों, ये अंतिम मंजिल ही है कि भैया हमको सरकारी नौकरी मिले और हम भगवान राम के आंशिक आदर्श को भी अपने अंदर ग्रहण कर पाएं। ये दीपावली है। इतना बड़ा मेरा भाषण देने का आप एक अंश भी अपने परिवार पर ही लागू कर दिए, पढ़ाई से आज मैं इतर बात कर रहा हूं, पढ़ाई से हटकर आप अपने परिवार पर भी लागू कर दिए, तो आप जानिए कि मेरा इतना देर बोलना, इतना देर भाषण देना सकारात्मक रहा। वो एक छवि परिवर्तित दिखनी चाहिए। भगवान राम के आने में ही हम दीपोत्सव मना रहे हैं और हमको उसका कारण और तथ्य पता ही नहीं है।
हमको ये पता ही नहीं कि उनके अंदर क्या, उनके पूरी पारिवारिक परंपरा में क्या क्या गुण थे, क्या क्या दोष थे, किन गुणों को हमको ग्रहण करना चाहिए। रावण को पूरी तरह से पूरे विश्व ने निगेटिव कर दिया है, उनके भी कुछ गुण ऐसे रहे होंगे जो आपको आज भी ग्रहण करने की जरूरत है। तो दुश्मन भी, जैसे पूरे रामचरितमानस की खास बात क्या है कि वहां दुश्मन भी यूनिक टाइप का है। दुश्मन भी कैसा है, इतना बुद्धिजीवी है कि उसको भगवान का दुश्मन बन रहा है वो। इतना बुद्धिजीवी है कि जो भगवान महादेव को कह रहा है कि मैं आपको लेकर चलता हूं, आपके पास मुझे बार बार आने की क्या जरूरत है। तो दुश्मन भी यूनिक है। तो इसलिए जो भी काम करिए पूरी तरह से प्रफुल्लित ऊर्जान्वित होकर योग्य बनकर और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़िए। लक्ष्य तय होना चाहिए। दीपावली का मतलब है कि अगली दीपावली आए तो हमने इस पूरे 365 दिन में क्या परिवर्तित किया है, क्या परिवर्तन लाए हैं हम। ये नहीं कि भैया 2024 में दीपावली मनाए फिर 25 में दीपावली मना रहे हैं। हम अपने अंदर क्या परिवर्तन कर पाए उस दीपोत्सव को दीपोत्सव कहते हैं। केवल यही दीपोत्सव नहीं कि भैया कुछ लोग चले गए अयोध्या में दीपक जलाए, घर में दीपक कुछ लोग जला लिए, घर में कोई बूढ़ी माँ है उनको देखकर ठीक से बोलने के नहीं तैयार हैं और दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं। तो दीपोत्सव का भी उन भगवान राम से ही सीख लीजिए कि वो उन माँ को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे जिन्होंने उनको 14 साल का वनवास किया था या दिलाया था। तो हमको भी जो हमारे प्रति ईर्ष्या द्वेष ज्यादा रखते हो उनसे लगाव रखने की जरूरत है, तब ये माना जाएगा कि आप मानवीय प्रवृत्ति का एक अंश फॉलोअप कर रहे हैं। उनकी जो संयुक्तता थी पूरे परिवार की रामचरितमानस में जो दिखाई गई, उस संयुक्तता को घर में लागू करने की जरूरत है कि बड़ा भाई ना खाए तो छोटे भाई को नींद नहीं आनी चाहिए, वो परिवार चाहिए महाराज। एक देव यहां तो देवरानी जेठानी में विवाद छिड़ा हुआ है, उनके परिवार में देखिए कि उर्मिला जी वहां वनवास कर रही हैं और सीता जी वहां वनवास कर रही हैं। उस परिवार को ग्रहण करिए तब एक दीपक आपको जलाने का हक है, तब एक दीपक जलाइए। फॉर्मेलिटी मत पूरा करिए दिखावे के लिए कि भैया दीपक जला रहे हैं, बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, अंदर आंतरिक रूप में कोई ईश्वर का एक अंश भी नहीं, ईश्वर नहीं मैं कह रहा हूं, जब राम को तब आप समझ पाएंगे जब भगवान शब्द हटा देंगे। केवल राम कहिए, राम कहिए तो उनके आदर्श आपके अंदर दिखाई पड़ेंगे कि एक सामान्य व्यक्तित्व कैसे इतना आदर्शवादी हो सकता है, एक सामान्य व्यक्तित्व कितना अच्छा दुश्मन चुन सकता है, एक सामान्य व्यक्तित्व पूरे राज्य को, पूरे समाज को, पूरे देश को एक साथ लेकर कैसे चल सकता है। ये राम का आदर्श है। तो आज आप सभी को दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, लेकिन आग्रह यही है कि भगवान राम या उनके परिवार से संबंधित 1% ही आदर्श अपने परिवार में दिखाइए, तब दीपोत्सव मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।